तो फ्रेंड्स, आज का प्रोजेक्ट एक रीपर के रूप में बनाया मैंने, जो कि किसान भाइयों के लिए बनाया है। ठीक है, इस मशीन के द्वारा हम कुवार, बाजरा, मोठ, मूंग जो भी फसल होती है उसकी कटाई कर सकते हैं। रीपर का पता होगा आपको किस तरह से काम करती है, क्या काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस मशीन को तैयार किया है। और इस मशीन को मैं किस तरह से तैयार करता हूँ कंप्लीट नहीं बताऊँ, लेकिन इसका जो मेन मेन पार्ट है उसका ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लग चुका है। तो आप वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैं देखिए एक बार इसको दिखा देता हूँ, ये इस तरह से काम करेगी। ठीक है, इसको चलाकर भी दिखाऊंगा मैं। तो इसको किस तरह से बनाते हैं मैं इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को अभी जल्दी से लाइक कर दीजिए। और इसे बनाने के लिए और ज़्यादा खास सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसमें जो मैन है, इसमें ये जो मशीन है जो पेट्रोल से चलती है, ठीक है, जो लकड़ी काटने के काम आती है। और अगर आप इनसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैं इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर क्या परचेज कर लीजिए। और बाकी जो इसका जो सामान है वो बड़ी आसानी से जो इसमें जैसे एंगल हो गया, जो सरिया हो गया, तो इस तरह से दो तीन टाइप के जो एंगल सरिया का यूज़ किया है। और जैसे पुरानी जो साइकिल है उसका जो टायर है उसका यूज़ किया मैंने दो टायरों को। ठीक है, तो इस तरह से बाकी इसका जो सामान आपको आसानी से मिल जाएगा। और ये जो मशीन है इसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से जाके खरीद लीजिए। तो चलिए मैं इसको आपको बना कर ही दिखाता हूँ इसे कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इस ढांचे को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें मैं बता देता हूँ इसमें जो सामान लगा है ढांचे को बनाने के लिए। ये जो एंगल है ये देखिए इस तरह से इतनी मोटी पतली जो साइज आपके सामने है। ठीक है, आप जो मर्जी अपनी कैसी भी एंगल यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए दो टाइप के सरिये हो गए, ठीक है, एक मोटा एक पतला, ये चार सूत है, दो सूत है, और ये इस तरह से पत्तियाँ लेनी। ठीक है, तो इस तरह से इन पत्तियों का सरियों का यूज़ करके, एंगल का यूज़ करके इस मशीन के ढांचे को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने इसको धीरे धीरे करके बनाया, कई बार मतलब जैसे मुझे टाइम मिला उस तरह से मैं इसको बनाता गया। तो आपको मैं इसका जो ढांचा है उसको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो यहाँ से हम इसको मशीन को पकड़ेंगे और इस तरह से देखिए इस तरह से चलाएंगे। ठीक है, एक तो इसमें ये एंगल हो गया, उसके बाद जो सरिया है साइड में जो सरिया लगा रखा है मैंने, ये देखिए ये हो गया, ये हो गया, जो कि फसल जो कटने के बाद वो इसके अंदर आके गिर जाए। तो इसके अलावा मैंने जो मेरे पास एक पुरानी बाइसाइकिल पड़ी थी उसके जो टायर है उसका यूज़ किया मैंने। ठीक है, दोनों टायरों को यहाँ पर यूज़ किया है। और आगे का जो भाग है इसका देखिए इस तरह से बनाना है, और इसके अंदर मैं एक मशीन को लगाने वाला हूँ, तो उसके हिसाब से आप इसको सेट कर लीजिए। अगर बना रहे हो तो इसके हिसाब से आपको इसको वेल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसके अंदर ये देखिए इस तरह से इसके अंदर गैप होना चाहिए। यहाँ पे हम उस मशीन को फिक्स करेंगे और इसको हम साइड में दोनों साइड में इस तरह से निकाल देते हैं, ताकि जो फसल हो उसका एरिया है उसको कवर करता रहे। ये इसका जो एरिया है करीबन मैंने 2 फुट रखा है, तो 2 फुट के एरिया को ये मशीन जो फसल होगी उसको काटेगी। ये देखिए ठीक है इस तरह से, और उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। अगर बनाना चाहो तो बड़ी आसानी से बना सकते हो, इस वीडियो को देख करके भी आप बना सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। तो ये इतना जो बॉडी है ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इस जगह को कवर करने के लिए, ताकि जो फसल यहाँ पे आके गिरे, तो जो टाइल होती है मैंने उसका यूज़ किया है। ठीक है, इस तरह से देखिए टाइल है मैंने पहले से उसको काट दिया है, और इसको हम मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। इस तरह से इसमें लगा देते हैं। ठीक है, एक साइड ये हो गया और दूसरा साइड है ये हो गया। थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको सेट कर देते हैं। अब हम इसके अंदर एक मशीन लगाते हैं। ये जो इसका जो सामान है आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, इसके टायर है जो बाइसिकल के टायर है वो मिल जाएंगे,
और जो सरिया पत्ती है वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद जो मैं इसमें मशीन का यूज़ करने वाला हूँ, तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इस मशीन का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, जो लकड़ी काटने के लिए काम में लेते हैं, जो पेट्रोल से चलता है, ठीक है। यहाँ पे इसमें पेट्रोल डालते हैं और इसको, इसके द्वारा हम इसको स्टार्ट करते हैं, और ये इसका मेन स्विच हो गया, ये देखिए, ठीक है, और ये इसका चोक हो गया, और ये इसका यहाँ से रेस हो गया। पहले इसको देखिए, ये सीधा अगर दबाना चाहे तो नहीं दबेगा, उससे पहले इसको दबाते हैं और उसको इस तरह से रेस दे देते हैं, और इसका चैन सेट हो गया, और जो काटने का काम करेगा, फसल को काटने का काम करेगा, ये काम करेगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ एक बार, देखिए इस तरह से ये घूमने का काम करेगा। तो इस मशीन का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप बड़ी आसानी से खरीद सकते हो, और इसका रिजल्ट है बहुत ही अच्छा रिजल्ट है अगर आप खरीदना चाहोगे तो। ये देखिए इसका हैंडल हो गया, और मैं एक बार इसको स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट करने के लिए पहले इसको ऑन करते हैं और यहाँ पे पैर रखते हैं और उसके बाद इसको खींचते हैं। अब चालू, देखिए द्वारा बंद कर देते हैं इसको। तो इस मशीन को हम जो रिपर है इसके अंदर इस तरह से फिट करेंगे ताकि इस मशीन की जरूरत पड़े हमें तो निकाल भी ले, और दोबारा अगर लगाना चाहे तो लगा भी दे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये जो चैन सेट है इसको इसके अंदर डालते हैं, ये देखिए इस तरह से बस, और ये देख दिखा देता हूँ आपको, बस यहाँ पे दो नट का यूज़ करना है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, तीसरे नट को हम यहाँ पे लगाते हैं, एक दो और वो तीन। तो अगर हम इसको बाहर निकाल कर भी यूज़ करना चाहते हैं तो भी बढ़िया आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको जो नट वगैरह है वो लगा देता हूँ, और इसमें इसका यूज़ करने से पहले देखिए इसके अंदर हम पेट्रोल को डालते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो पेट्रोल पंप होता है, उसका निशान है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसमें इसमें हम पेट्रोल डालते हैं और यहाँ पे ऑयल डालते हैं, और ये ऑयल काम करता है इस चैन को कूलिंग का, ताकि ये चैन ठंडा रहे। इसके बाद ये मेन स्विच हो गया, और कभी कभार ये स्टार्ट ना हो तो इस तरह से इसको खींच लेते हैं, ठीक है, इस तरह से खींच लेते हैं, और स्टार्ट होने के बाद इसको वापस अंदर कर देते हैं। ये इसका लॉक होया, तो मैं इसको फिक्स करके आपको दिखाता हूँ। तो इस मशीन को जो काटने वाली जो वुड शो है इसको फिट करने के लिए तीन नटों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मैंने एक नट को यहाँ पे यूज़ किया, दूसरे को यहाँ पे यूज़ किया, और तीसरे को यहाँ पे यूज़ कर दिया है, ठीक है। देखिए बस तीन नटों को हम खोल करके इसको निकाल सकते हैं अगर हम मशीन को अलग से यूज़ करना चाहते हैं तो। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हो, और इस मशीन को भी मैंने यहाँ पे फिट कर दिया है। और इसके अलावा देखिए इसको जब चालू करेंगे तो ये जो चैन है फसल को काटने के लिए ये रोटेट करेगी, और रोटेट करेगी जब भी कोई फसल, जैसे बाजरा हो गया, ग्वार हो गया, मोठ, जो भी फसल होती है, तो यानी उसकी मोटाई जो इतनी हुई, करीबन इसकी मोटाई 1.5 इंच है, ठीक है, 1.5 इंच तक जो भी फसल होगी वो इसके अंदर आएगी, आने के बाद ये चैन है उसको काट देगी, ठीक है। मैं इसको चला करीब दिखाऊँ आपको। तो इसको काटने के बाद ये जो फसल है, जो आगे से हम इसको चलाएंगे तो जो कटी हुई फसल होगी वो पीछे चली जाएगी। और यहाँ पे मैंने एक टैल का यूज़ किया है, तो इसकी जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है, जिसकी वजह से जो फसल है फिसल करके पीछे चली जाएगी, और यहाँ पर एक बड़ा सा जो फसल होगा वो एक तरह यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। देखिए और साइड में मैंने यहाँ पे देखिए पत्तियाँ लगा दी है,
ताकि साइड में जो फसल कटी हुई फसल वो साइड में ना गिरे और यहाँ पे दोनों साइड में आकर के वो पीछे चली जाएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से नज़र आ जाए, ये देखिए। और जो इंजन है जो ये पेट्रोल से चलता है, आपको मैंने बताया पहले भी, तो पेट्रोल से चलता है और इसका जो रेस है, तो मैंने यहाँ पे एक जो तार है उसके माध्यम से वहाँ पे देखिए वहाँ पे इसको कंट्रोल करेंगे। तो जैसे इसको कंट्रोल करेंगे तो इस तरह से ये रेस होगा, इसे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये इसका स्विच हो गया, ये देखिए इस तरह से मैं दिखाता हूँ इसको, रेस को कम ज़्यादा करके देखिए, ठीक है इस तरह से, ठीक है इस तरह से रेस कम ज़्यादा होगा। और इसको जब चलाएंगे हम तो यहाँ से इसको पकड़ करके और थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, और जो फसल होती है हम उसको कहाँ से काटना है, करीबन 2-3 इंच ऊपर से ये काटेगी, तो इस तरह से इसको चलाते जाएंगे और मशीन जो इसको काटती जाएगी। ये करीबन 2 फीट का एरिया है उसको कवर करेगी, 2 फीट एरिया चौड़ा होता है उसको कवर करके 2 फीट तक एरिया करेगी जो फसल है उसको काट देगी और यहाँ पे इकट्ठा कर देगी। ठीक है, मैं आगे की वीडियो में कोशिश करूँगा कि इसके अंदर इस तरह का सिस्टम हो ताकि जो इकट्ठी हुई फसल को एक बार में ही, मतलब यहाँ पे जो इकट्ठी हुई फसल उसको साइड में कर दे। और इसका वजन है वो काफ़ी कम है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह से हम बड़ी आसानी से एक हाथ से चला सकते हैं। और जब चलाते हैं इसको, चलाने के बाद पहले इसको रेस स्टार्ट करते हैं, रेस देने के बाद जो चैन होती है, ये जो चैन होती है उसके बाद ये रोटेट करेगी और तभी फसल को ये काटेगी। ठीक है, ये देखिए। तो अब मैं इस इंजन को एक बार स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ, आगे के वीडियो मैं बनाऊँगा तब मैं आपको इसका द्वारा जो फसल है उसको काट के दिखाऊँगा, क्योंकि जो इसका अगर मैं फसल काटने का जो वीडियो बनाऊँगा तो मुझे खेत में जाना पड़ेगा, तो थोड़ा मेरे पास एक बार टाइम कम है, तो इसलिए मैं ये इसी को चला करके आपको दिखा देता हूँ। लेकिन आप इसका जो कंडीशन देख करके आप अनुमान लगा सकते हो कि ये जो फसल है किस तरह से काटेगी और ये कितनी सक्सेसफुल होगी, ये देखिए। ठीक है, तो मैं अब इसको स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट करने के लिए ये जो स्विच है इसको ऑन करते हैं पहले, और उसके बाद ये देखिए इस तरह से यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं एक बार कैमरे को फिक्स कर देता हूँ, उसके बाद इसको स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। और देखिए इसको चालू करने से पहले यहाँ पे हम ऑयल को डालते हैं, और क्योंकि ये ऑयल होता है चैन को कूलिंग के लिए होता है, तो यहाँ पे ऑयल डालेंगे तो उसके बाद ये कूलिंग रखेगा। अगर इसमें ऑयल नहीं डालेंगे तो ये जो चैन है वो टाइट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पेट्रोल है वो ज़्यादा जलेगा। और यहाँ पे हम पेट्रोल को डालते हैं और ये हमारा रेस हो गया, इसके द्वारा इसको स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसको स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इसको ऑन करते हैं, जो स्विच है इसका ऑन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पैर लगा लेते हैं और उसके बाद इसको जो स्टार्ट करने वाले सिस्टम को हम देखिए खींचते हैं। ठीक, इस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो मैं इसका जो रेस है उसको भी अब लगा के दिखाता हूँ किस तरह से रेस इसका काम करता है।
किस तरह से ये जो मशीन है वो काम करेगी। ठीक है, तो मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा आप उसको ज़रूर देखिए, उसमें आपको मैं जो फसल है उसको किस तरह से ये काटती है कंप्लीट उसमें आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे का वीडियो ज़रूर देखें, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये मशीन आपको कैसी लगी, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। ठीक है, और ये जो किस तरह से बनाता है उसको, ठीक है, मैंने आपको दिखाया पहले, और ये जो मशीन है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो वहाँ से आप बड़ी आसानी से इसको ख़रीद सकते हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूजफुल मशीन है, और इस तरह से हम अपनी जो खेती होती है उसको, जो कटाई होती है, इस मशीन के द्वारा बड़ी आसानी से कर सकते हैं।